हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। दिस वीडियो इज बाय द मिस्टिकल लैंड। एंड आखिर क्यों पाकिस्तान ने बैन कर दिया यूट्यूब? ये क्या बात हो गई भाई डकी भाई, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं भाई पाकिस्तान में, उनका क्या होगा? ये सच बात है क्या, मतलब या कुछ ऐसा झूठ भी? ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता यार। बट यस, अगर आप इंडिया से हो और आपको ऑनलाइन अर्निंग करने का चस्का है और आपको कुछ सीखना है, डिजिटल आना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, कुछ सीखना है, या फिर आप फ्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, घर पे बैठे हो, वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, 14 ईयर से ऊपर हो, कोई भी हो, आप इस नंबर पे मैसेज करिए और अपना काम तो बंटवारे से लेकर आज तक हमने हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कई चीजें देखी, उसमें से कुछ हमारी हंसी और एंटरटेनमेंट की वजह बन जाती हैं। जैसे कि वहाँ की बीम्स पावड़ी हो रही है और लिविंग ऑन द एज के कश्मीरी सुपरमैन जैसे एलीट कंटेस्टेंट्स आप सभी को याद ही होंगे। इसके अलावा वहाँ के लिए गए कुछ फैसले जैसे LGBTQ+ राइट्स और वहाँ के लोगों का उससे इनकार करना जैसी चीजें काफी ज्यादा चर्चित रहती हैं। इसी के साथ एक ऐसा डिसीजन भी है जो एक बार नहीं बल्कि पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में 2 बार लिया गया है। जी हाँ, वो कुछ और नहीं बल्कि YouTube पर बैन लगा रहा है। ऐसा सबसे पहले साल 2008 में और उसके बाद 2012 में हुआ था। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ गिनी चुनी वीडियोस या चैनल ही नहीं बल्कि पूरा YouTube पर ही बैन लगाना पड़ गया। आइए आज की वीडियो में ऐसा अजीब डिसीजन लेने के पीछे छुपी हुई वजह के बारे में जानते हैं। साल 2008 में पाकिस्तान में लगे सबसे पहले YouTube बैन की बात करें तो इसके पीछे काफी बड़ा बिल्डअप जुड़ा हुआ है। सितंबर 2005 को एक दानिश न्यूज एजेंसी ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें लिखा था कि उन्हें द कुरान एंड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद नाम की किताब है के लिए एक ऐसे आर्टिस्ट की जरूरत है जो प्रॉफिट मोहम्मद को ड्रॉ कर सके। आपको बता दें कि बच्चों के लिए लिखी गई किताब है, पर इस्लामिक ब्लास्फेमस लॉस की वजह से कोई भी आर्टिस्ट इस काम को करने के लिए तैयार नहीं था। अगर आप सोच रहे हैं कि इस लॉ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस काम को करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, तो हम आपको बता देते हैं कि लॉस के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद को इंसानी रूप में दिखाना एक बहुत बड़ा गुनाह है और पाकिस्तान पीनल कोड 296C के हिसाब से इसकी सजा सीधे मौत है। अब इस कहानी पर वापस आए तो दानिश न्यूज एजेंसी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक हल निकाला जिसमें उन्होंने एक आर्टिस्ट को टारगेट करने की कोशिश की जो कि इस्लामिक ब्लास्फेमस लॉ से ना डरते हो। इस खोज पर निकलने के बाद उन्हें 12 आर्टिस्ट मिले। इसी साल इन आर्टिस्ट के बनाए हुए आर्ट को एक न्यूज़पेपर ने पोस्ट कर दिया और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि इन सभी आर्ट पीसेस को देखने के बाद इस्लाम से जुड़े हुए लोग काफी ज्यादा भड़क गए। दानिश इमाम इन सभी पिक्चर्स को लेकर मिडिल ईस्ट के पास मदद मांगने निकल पड़े और उन पिक्चर्स में एक ऐसी आर्ट भी शामिल थी जिसमें मोहम्मद को गलत तरीके से एसोसिएट किया हुआ था, पर हकीकत में वो पिक्चर उस कॉम्पिटिशन का हिस्सा थी ही नहीं। इस बात के सामने आते ही प्रोटेस्ट थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब सीधी सी बात है कि गलती ना होने के बाद भी अगर आप पर कोई इल्जाम लगाया जाए तो आप उससे इरिटेट तो होंगे, साथ ही उसका जवाब दिए बिना चुप भी नहीं बैठेंगे। दानिश लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इन लोगों का कहना था कि जितने भी इस्लामिक लोग इसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वे सभी उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उनसे छीन रहे हैं और इसकी वजह से साल 2008 में दानिश पॉलिटिशियन ने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था फितना और यही फिल्म पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होने की वजह बनी। ये शॉर्ट फिल्म में इस्लाम धर्म को कुछ इस तरह दिखाया गया कि इस्लाम और कुरान वायलेंस और हेट्रेड फैलाने के जिम्मेदार हैं। अब इतनी कंट्रोवर्शियल फिल्म पाकिस्तान के यूट्यूब पर टिकती तो टिकती भी कैसे, लेकिन वीडियो तो हटी नहीं, इसलिए पाकिस्तान ने यूट्यूब को बैन कर दिया। पीटीए ने सभी इंटरनेट प्रोवाइडर से यूट्यूब एक्सेस ब्लॉक करने की गुहार लगाई। इस तरह पाकिस्तान में यूट्यूब पर बैन लग गया। अब घड़ी की सुई को 2 साल आगे घुमाए तो साल 2010 में पाकिस्तान में एक बार फिर यूट्यूब पर बैन लगा, वो भी सिर्फ एक कार्टून शो के पीछे। साउथ पार्क नाम की एनिमेटेड सीरीज का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इसके एक एपिसोड में हर धर्म के भगवान को एक साथ लाकर कुछ एपिसोड बनाए गए और उन सभी में से एक प्रॉफिट मोहम्मद भी थे। बवाल तो इस पर तब मचा जब इन्हें एक एपिसोड में भालू की कॉस्ट्यूम पहनकर दिखा दिया गया। बस इस एक सीन की वजह से शो के क्रिएटर्स को लोगों के कई सारे ताने सहने पड़े। इसी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद के कैरेक्टर को सेंसर टैग के साथ दिखाना शुरू कर दिया गया, पर इसके बाद भी मामला थमा नहीं। अगले एपिसोड में प्रॉफिट मोहम्मद के सामने वायलेंस और फियर कैसे लोगों पर काबू करने में मदद करता है ये बात कर बैठे।
बस मुस्लिम लोगों को लगा कि एक बार फिर उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जिसके चलते इस्लाम को मानने वाले लोग एक बार फिर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतर आए और मेकर्स पर एक के बाद एक धमकियां बरसाने लगे। ऐसे में उठते हुए बवाल की वजह से इस शो के सभी एपिसोड कैंसिल कर दिए गए, पर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया में विश्वास रखने वाले लोगों को ये बात इतनी आसानी से रास कहां से आने वाली थी। इन एपिसोड्स का इस तरह कैंसिल होना फ्री एक्सप्रेशन का वॉयलेशन करना समझा गया। मॉली नॉरिस जो कि एक कार्टूनिस्ट थी, उन्होंने कैंपेन शुरू किया जिसमें मई 20 को एवरीबॉडी ड्रॉ मोहम्मद डे डिक्लेयर कर दिया। ये कैंपेन सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैलने लगा। लोगों ने फेसबुक की मदद से अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स अपलोड करनी शुरू कर दी। इतिहास के पहिए ने एक बार फिर खुद को दोहराया और पाकिस्तान में रायट्स तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। ये सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट ना हो इसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूट्यूब पर बैन लगा दिया। इसके बाद साल 2012 में यूट्यूब पर एक शॉर्ट फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम रिलीज होती है। इस शॉर्ट फिल्म को दो अलग वर्जन में अपलोड किया गया, द लाइफ ऑफ मोहम्मद एंड मोहम्मद मूवी ट्रेलर। बस इन दोनों मूवीज के पीछे पूरे इस्लाम धर्म के लोगों के बीच खलबली मच गई। दुनिया के अलग अलग कोनों में दंगे छिड़ गए और इतना ही नहीं, लोगों ने इस मूवी को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। मामला इतनी तेजी से बढ़ गया कि यूट्यूब को उन जगहों से शॉर्ट फिल्म को बैन करना पड़ा, पर ऐसे कंटेंट को लेकर लोग काफी भावुक थे और जहाँ के लॉज इस टाइप के कंटेंट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थे। इन सब में मजे की बात तो यह है कि इस मूवी में जितने भी एक्टर्स ने काम किया था, यानी टिम डैक्स और सिंडी ली गार्सिया, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये मूवी हकीकत में क्या दिखाना चाहती थी। उनका ये कहना था कि इस मूवी के प्रोड्यूसर ने उन्हें धोखा दिया और इन्हें इस फिल्म के असली मतलब के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं था। आपको बता दें कि इस फिल्म की शुरुआत में एक सीन होता है जिसमें दिखाया जाता है कि इजिप्ट में प्रोसिक्यूशन ऑफ कोप्स बढ़ता जाता है और इसी के साथ ह्यूमन राइट्स का स्तर लगातार नीचे गिरता चला जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोप्स ईसाई एथनो रिलीजियस ग्रुप था। इस मूवी में बताया जाता है कि चर्च जलाए जा रहे हैं, कोप जलाए जा रहे हैं और रिलीजन के नाम पर दहशत फैलाई जा रही है। अब अगर कोई मूवी ऐसे शुरू हो तो इसे इस्लाम के खिलाफ कोई कैसे ही समझेगा, पर जैसे इसका प्लॉट आगे बढ़ता है बीच में एकदम से कट आ जाता है और एक कार्टून सीन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के असली माता पिता के बारे में किसी को नहीं पता। साथ ही और भी कंट्रोवर्शियल बातें उस प्लॉट में दिखाई और गई थी। साफ सी बात है, अगर किसी के धर्म के भगवान को इस तरह दिखाया जाएगा तो लोगों के बीच आक्रोश और दंगे होना तो तय था। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों ने शर्त रखी कि जब तक यूट्यूब से वीडियोस नहीं हटाई जाएंगी तब तक के लिए इसे बैन कर दिया जाएगा। इस धमकी के बाद भी कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला। अगर आपसे पूछे कि इसके बाद क्या बदलाव आया तो उसका जवाब होगा कुछ भी नहीं। जिस स्क्रिप्ट को इजिप्ट की कहानी समझा जा रहा था वो इस्लाम पर एक डार्क क्रिटिक बनकर सामने आई। जब व्हाइट हाउस ने यूट्यूब से इस बारे में पूछा तो यूट्यूब ने जवाब दिया कि वीडियो भले इस्लाम धर्म के खिलाफ हो पर ये वीडियो इस्लामिक लोगों के खिलाफ नहीं है और इसी वजह से वीडियो प्लेटफॉर्म से नहीं उतारी जाएगी। जब यूट्यूब ने इससे इस्लाम धर्म के खिलाफ हेट स्पीच फैलाने का दोषी नहीं माना तो पाकिस्तान ने यूट्यूब को 1,000 दिन यानी करीब 3 साल के लिए अपने देश में बैन कर दिया। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा बैन माना जाता है। इस डिसीजन को लेने से पहले पाकिस्तान के आईटी डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बैठाई थी ताकि वो ऐसे और कंटेंट को किस तरह से रोके इस पर प्लान बना सके, और उन्हें जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने पूरे यूट्यूब पर बैन लगा दिया। तो ये थी 2012 में लगे 3 साल के यूट्यूब बैन की असली वजह। इन सभी सिचुएशंस और किस्सों को सुनने के बाद एक बात तो हम सभी को समझनी जरूरी है कि एक डेमोक्रेसी में हर इंसान या व्यक्ति को अपने व्यूज को रखने का पूरा हक है। हर छोटी से छोटी चीज पर दंगे और वायलेंस बढ़ाने के नतीजे आप सभी जानते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होने के बावजूद भी किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को अपने व्यूज देने से रोके। अब फितना का एग्जाम्पल ले लीजिए, इस मूवी के बनने का कारण ही वायलेंस है। और अब पाकिस्तान के यूट्यूब बैन करने के डिसीजन की बात करें तो ये भी काफी डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी उन्होंने फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वायलेट तो किया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। अभी बैन हो रहा कुछ भी भाई, डेंजर है। पुरानी बात भी हमें पता नहीं थी, वो बात एक अच्छी होगी कि हमें पता चली। बट इन लोग क्या, ये लोग ये क्या बोल रहा था कि मतलब उनके भगवान, अरे भाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगवान नहीं है। यार ये ना सबको लगता है, पता है हमें भी पहले ऐसे ही लगता था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगवान है, बट ऐसा नहीं है, ही इज़ प्रॉफिट एंड उनकी ऑब्वियसली इस्लाम में जायज़ नहीं है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए इट्स नॉट राइट कि किसी भी सहाबा की और किसी भी लाइक प्रॉफिट की तस्वीर बनाएं, क्योंकि हराम है ये, बहुत बड़ा गुनाह है। उनकी तस्वीर नहीं बना सकते।
एंड जब नहीं बना सकते तो काई को छेड़ने का काई को उस चीज़ को, काई को मतलब तुम कुछ और करो ना, मतलब उन लोग जानबूझ के ऐसी चीज़ें करते कि लोग भड़के भाई भाई सच में। बट लोगों को भी भड़कना नहीं चाहिए, वो भी बात अलग है कि उनको भड़कने से कुछ होगा नहीं, दंगे करने से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ मासूम लोग परेशान होंगे बस और कुछ नहीं। मतलब ये दंगे करने वाले लोग भी मेरे को समझ नहीं आते कि उन लोग काय को करते। हाँ प्रोटेस्ट करना है करो, दैट्स योर हक, वो आपका हक है, पर दंगे करना, किसी को मारना, ये जायज़ नहीं है भाई, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, इसमें बिल्कुल भी जायज़ नहीं है ये तो कत्ते ही जायज़ नहीं है। फिर तो आप गुनाह कर रहे हो, फिर उससे भी बड़ा गुनाह कर रहे हो आप, सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनके लाइक सपोज अगर कोई इस्लाम के खिलाफ कुछ गलत बोल रहा है तो वो क्या करेंगे, उनके धर्म के खिलाफ गलत बोलना स्टार्ट कर देंगे, वो भी जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है किसी के माबूद की तौहीन ना करो, किसी के मज़हब की तौहीन ना करो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के मज़हब की तौहीन करोगे, किसी के माबूद की तौहीन करोगे, तो फिर वो सामने वाला इंसान भी आपके खुदा की तौहीन करेगा। तो इसीलिए किसी के खुदा की तौहीन नहीं करनी, चाहे आपको जितना मर्ज़ी पता है कि वो गलत है या क्या है, जो भी है, सामने वाले की रिस्पेक्ट करो और उसको उसके हाल पर छोड़ दो, उस पर तरस खाओ, सिंपल सी बात है, उसको तरस खाना चाहिए उस पर। भाई सोचो आप, आपको कितनी बड़ी नेमत मिली है, सामने वाला इंसान वो तरस खाओ उस पर, मतलब कुछ बोल के फ़ायदा ही क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इससे अच्छा अपनी तौहीद सही करो, है कि नहीं, अपना अकीदा सही करो उससे अच्छा, एंड एक अच्छे इंसान बनो एंड पीस में रहो थोड़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।